दोस्तों गूगल पे ऐप की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे पे करें, यानी बिजली का बिल कैसे जमा करें, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, आप आसानी से ऑनलाइन बिजली का बिल पे कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला है, देने वाला है सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए लाइव स्क्रीन पर चलते हैं, स्वागत करेंगे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टेक जाधव पर, और आइए लाइव स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों गूगल पे से हम बिजली का बिल कैसे जमा करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल है, इसके लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले गूगल पे ऐप को ही ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ से हम अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे ऐप को ही ओपन कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे ऐप को ओपन किया, एक ऐसा ऑप्शन हमें शो हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप आएंगे ना तो एक ऑप्शन होगा मोबाइल, गैस, गूगल, इस तरह से कुछ होगा। यहीं पर लिखा होगा सी ऑल, तो सी ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आप आएंगे इस तरह से, तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन होगा, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, फास्टैग, गूगल प्ले, क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर, ब्रॉडबैंड, पोस्ट पैड मोबाइल। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, आपको इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा ऑप्शन होगा, सारे जितने सारे सप्लायर हैं इंडिया में सभी सप्लायर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो आपका बिजली का बिल होगा ना उस पे लिखा होगा किस कंपनी से आपका बिजली का मतलब जो कनेक्शन है वो हुआ है। तो जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम लोग के क्षेत्र में UPPCL चलता है, तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं हमारा UPPCL कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से सभी का लिस्ट होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप अपना अपना चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम आ गए उत्तर प्रदेश, अपना मैं अपने राज्य का ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरा पूर्वांचल विद्युत निगम से है, मैंने अपना बिल चेक किया तो उस पर यह दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आइकन हमारे सामने ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे भरना होगा आपको कंज्यूमर नंबर, और यहाँ पे उनका नाम भरना होगा किनके नाम से कनेक्शन है और उनका कंज्यूमर नंबर। तो कंज्यूमर नंबर आपको बताना चाहूँगा, जो बिजली का बिल होता है ना पुराना आपके घर में जो निकला होगा उसी पर कंज्यूमर नंबर पड़ा रहता है, जो बिल आपको देकर वो लोग गए होंगे। जैसे कि देखिए मेरे पास भी यहाँ पे बिजली का बिल पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिस पर हम कंज्यूमर नंबर देख के और यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने कंज्यूमर नंबर और उनका नाम दोनों भर के कंटिन्यू किया। जैसे कंटिन्यू हम करेंगे, फैचिंग करेंगे, थोड़ा सा मैच कराएंगे, और मैच कराने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा बिजली का बिल बकाया होगा यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, और शो होने के बाद पे का आइकन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड कर दिए, कंज्यूमर का नंबर ए है और उनका नाम ए है, और हम यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यह अकाउंट लिंक कर लिया जाएगा और हमारे सामने जो हमारा बिजली का बिल बकाया होगा नीचे शो कर दिया जाएगा। दरअसल मैंने पूरा बिल जमा कर दिया इसलिए मेरे में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं तो यहीं पर भुगतान का ऑप्शन आएगा, पे पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना किसी UPI से पे कर दीजिएगा, और उसके बाद पे करने के बाद जो रसीद होगी उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वही आपका रसीद हो जाएगा, और यहीं से आप आसानी से पे कर सकते हैं। मैंने दोस्तों ऑलरेडी पे कर लिया इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप करिएगा, 100% हो जाएगा। यहीं पर पे का आइकन आएगा, आपका बैलेंस लिखा होगा, बिजली का बिल कितना बकाया, उसके आगे लिखा होगा पे, पे पर क्लिक करके आप अपना UPI पिन डालिएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो रसीद दिखती है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही आपका मतलब ओरिजिनल बिल हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।